हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो ये हमें जो फाइबर्स दिए हुए हैं उन्हें हमें बताना है नेचुरल है या सिंथेटिक है। तो देखिए, नेचुरल ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, मतलब हम उसे जनरली उगाते हैं, और सिंथेटिक फाइबर जो है हम इंडस्ट्रीज में लेबोरेटरीज में बनाते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं? वूल, कॉटन और सिल्क और जूट। तो देखिए, वूल जो है हम किससे लेते हैं? हम लोग जानवरों से लेते हैं, एनिमल्स से, जैसे कि शीप से लेते हैं, याक से लेते हैं, ठीक है। कॉटन तो ज़मीन में उगता है। सिल्क जो है हमें किससे मिलता है? सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, है ना। और जूट का भी क्या होता है? जूट का भी प्लांट होता है। तो ये सब क्या हो गए? ये सारे के सारे नेचुरल फाइबर्स हैं, ठीक है। फिर आता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या क्या होते हैं? नाइलॉन और पॉलिस्टर। नाइलॉन और पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं। इंडस्ट्रीज में ये बनते हैं, इंसान ने उगाया नहीं है, जानवरों ने नहीं बनाया है, ये इंडस्ट्रीज में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, ट्रू फॉल्स। तो पहला जो है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो बिल्कुल सही बात है, जो यार्न होता है वो फाइबर से ही तो बनता है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। नहीं नहीं नहीं, स्पिनिंग से तो आगे का प्रोसेस होता है ना, तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स नहीं होता है, फॉल्स है। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। नहीं, जूट आउटर कवरिंग नहीं होती है कोकोनट की। देखिए, कोकोनट के ऊपर ऐसी शाखाएं होती है ना, वो जूट नहीं होता है। जूट का तो अलग पौधा होता है जो उगता है ज़मीन में। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। येस, तो हम लोग जो गिनिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अंदर बीज होता है ना उसके बाहर पर कॉटन लगी होती है, बीज को निकाल देते हैं कॉटन से, तो कॉटन अलग कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फाइबर, सॉरी फैब्रिक। यार्न होते हैं बहुत सारे, इसको हम लोग सब वीविंग कर देते हैं। वीविंग का मतलब होता है सिल करके साथ में जोड़ देते हैं, तो क्या उससे फैब्रिक बन जाता है? हाँ जी, उससे कपड़ा बन जाता है, ट्रू। और सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। नहीं, गलत है। सिल्क फाइबर हम लोगों को किससे मिलता है? एक एनिमल से मिलता है जिसका नाम होता है सिल्क वॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है, पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, फॉल्स है। पॉलिस्टर तो एक सिंथेटिक फाइबर है, इंडस्ट्रीज में बनता है, ठीक है, ये हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट एंड कॉटन। तो प्लांट फाइबर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? जूट एंड कॉटन क्या है? प्लांट फाइबर्स है। प्लांट फाइबर्स का मतलब है हमें पेड़ों से ये मिलते हैं, जूट और कॉटन। एनिमल फाइबर्स के एग्जांपल क्या क्या है? सिल्क एंड वूल, है ना। सिल्क हो गया सिल्क वॉर्म से, जूट हो गया शीप एंड याक, है ना, गोट से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। किस प्लांट के किस पार्ट से हमें कॉटन और जूट मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट कॉल्ड कॉटन बॉल्स। तो जो कॉटन है वो कॉटन बॉल्स जो होती है ना उससे हम लोगों को कॉटन मिलता है। तो और वो कॉटन के प्लांट का क्या होता है जिससे हमें कॉटन मिलता है? वो हमारे कॉटन के प्लांट का फ्रूट होता है। तो जिससे हम लोग को कॉटन मिलती है ना, वो एक फ्रूट से मिलती है। तो कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट कॉल्ड कॉटन बॉल्स। और हम उन्हें जिससे हमें कॉटन मिलती है उसको हम लोग कॉटन बॉल्स बोलते हैं, और वो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है। जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। और जूट हमें कहाँ से मिलता है? जूट हमें मिलता है स्टेम से, और कॉटन हमें मिलता है कॉटन बॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से क्या क्या बनता है? कोकोनट के बाहर का जो रेशे होते हैं उससे जूट बैग्स भी, कई बार हम लोग बैग्स, जूट बैग्स नहीं, आप सिर्फ बैग्स लिखिए, बैग्स बना सकते हैं आप, रस्सी रोप बना सकते हैं, फुट मैट, पायदान होता है ना जो कमरों के बाहर पैर साफ, मतलब पैर झाड़ो फिर कमरे में आओ, उससे जो पायदान भी बनता है जिसको हम फुट मैट कहते हैं। तो बैग्स बना सकते हैं, रोप्स बना सकते हैं, और फुट मैट बना सकते हैं हम लोग कॉटन फाइबर, सॉरी कोकोनट जो नारियल है उसके फाइबर से। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। यार्न से आप फाइबर कैसे बनाते हैं, इसका प्रोसेस आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। तो अच्छे से समझिएगा बहुत, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आंसर है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जिस प्रोसेस से हम यार्न से फाइबर बनाते हैं ना, ठीक है, यार्न से फाइबर बनाने के प्रोसेस को हम लोग
स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न जो है जिससे हम लोग फाइबर बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड ट्विस्टेड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर जैसे कि मास ऑफ कॉटन, बहुत सारा कॉटन है, इसमें से हम लोग रेशे रेशे निकालते हैं और फिर उनको रेशों को निकाल के एक साथ करके जोड़ देते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म द यार्न। तो बहुत सारे जो फाइबर्स होते हैं ना अलग अलग, वो साथ में एक साथ आ जाते हैं और क्या बन जाता है, यार्न बन जाता है। स्पिनिंग इज डन एट होम यूजिंग सिंपल डिवाइसेस लाइक हैंड स्पिंडल, टकली या फिर चरखा हम बोलते हैं, और लार्ज स्केल स्पिनिंग मशीन्स आर यूज। लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे स्पिनिंग मशीन यूज होती हैं। क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है यार्न बनाने का। अगर हम फाइबर से यार्न बनाते हैं उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। कॉटन का जो फाइबर है उसको निकाला जाता है, उसको जोड़ा जाता है और यार्न बन जाता है। और कैसे बनता है, चरखे से या फिर स्पिनिंग मशीन से। तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।